Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zuba Kesari. अभियान की पूरी तरह से शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर बाबा गौरी शंकर मंदिर है, बहुत प्राचीन ये मंदिर है। यहाँ पर अखिलेश यादव यहाँ पर सुबह आए हैं और आते ही सबसे पहले बाबा गौरी शंकर मंदिर में उन्होंने दर्शन किए हैं, पूजन किए हैं और काफी देर उसके बाद पूरे विधि विधान अखिलेश यादव ने पूजन किए हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, आपको दिखा रहे तस्वीरों में। और इस शिवलिंग की खासियत बताई जा रही है, ये ऐसा शिवलिंग है जिसमें पूरा शिव परिवार और विद्यमान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों हम दिखा रहे हैं आपको, अखिलेश यादव जी यहाँ पर है यहाँ पर और उन्होंने पूरी पूजा अर्चना की है। उसके बाद उनके यहाँ पर कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। आपको बता दें कि आने वाले 13 मई को कन्नौज में मतदान होना है। अखिलेश यादव खुद यहाँ से प्रत्याशी इंडिया गठबंधन की तरफ से हैं। ऐसे में अखिलेश यादव पूरी तरह से अब पूरी ताकत कन्नौज में लगाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कन्नौज से जो कन्नौज में जो साख का सवाल है वो पूरी तरह से सपा के लिए, क्योंकि उनके राष्ट्रीय जो अखिलेश यादव खुद है उन्होंने खुद यहाँ पर ताल ठोक दी है और वो खुद ही यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हम आपको श्रद्धालुओं को भी भीड़ दिखाएंगे कि देखिए अब श्रद्धालुओं की भी भीड़ लगी हुई है, अखिलेश यादव अपने दर्शन कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब कन्नौज का जो चुनाव है वो बहुत तेजी से उसका राजनीतिक पारा है जो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। ऐसे में अब लगातार अब यहाँ पर आज से नेताओं का आना शुरू हो गया है, कल भी कार्यक्रम लगे हुए हैं और लगातार कार्यक्रम लगे हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है यहाँ पर कि राहुल गांधी की भी यहाँ जनसभा लग सकती है, अमित शाह की भी यहाँ जनसभा लग सकती है। तो Oh, my God.